नमस्कार, जय श्री राम। आर मौर्या लाइफ में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं कर रहा हूँ आज का ब्लॉगिंग, और आज का ब्रेकिंग न्यूज यह है कि ये दुबई का एयरपोर्ट है, टर्मिनल 1। यहाँ पर देखिए इस तरीके से भीड़ रहता है, यहाँ की फिनिशिंग इस तरह से रहती है, यहाँ पर लोग चलते रहते हैं, रातों दिन फ्लाइटें आती रहती हैं, लोग आते जाते रहते हैं, एक के बाद एक फ्लाइट आता रहता है, लोग जाते रहते हैं, यही यहाँ का सिस्टम है। देखिए ये लोग लेके अपना अपना सामान जा रहे हैं, और ये जिस पे सामान ले जा रहे हैं ये ठेली है, ये ऐसे आता है, इसमें एक एक आदमी एक एक ठेली लेकर अपना अपना सामान लेकर जाता है। देखिए लोग मस्त से चल रहे हैं। ये रात का करीब 2 बजे का है ये सीन, इतने टाइम यहाँ पर इतना चहल पहल रहता है। बाकी फ्लाइटें जा चुकी हैं तो भीड़ कम है, और फ्लाइटें आता जाता रहता है, यही यहाँ का सिस्टम है। देखिए सब लोग अच्छे से चल रहे हैं, टेंशन नहीं है सब लोगों का, लोग चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, यही सब सिस्टम है यहाँ का। चलते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, घूमते रहिए, क्या बात है, वेरी गुड, वेरी गुड। चलते रहिए, चलते रहिए, डिब्बे के ऊपर डिब्बा रखकर चलते रहिए, मस्त है, एकदम स्वस्थ। और ये 3-4 फ्लाइट जा चुकी है और दूसरी फ्लाइट आने वाली है, इसलिए लोग दौड़ रहे हैं। सबका अपना अपना अंदाज होता है, सब कोई अपने मंजिल पर पहुंचना चाहता है, इसीलिए लोग रफ्तार में चल रहे हैं। देखिए तो ये 4 तारीख का वीडियो है, अपलोड नहीं कर पाया था इसलिए अब अपलोड कर रहा हूँ। और आज है 9 तारीख, को ये ब्लॉकिंग हो रहा है, सब लोग लाइन में जुट गए हैं। इतना बड़ा बड़ा लंगेज सबके पास रहता है, 40 केजी इसमें लंगेज ले जा सकते हैं, 30 केजी रहता है लंगेज में, और 10 केजी रहता है हैंड बैग में, एक आदमी सिर्फ 40 किलो ले जा सकता है। और चलिए मैं मंदिर का ब्लॉग दिखाता हूँ। ये मंदिर है यूपी बस्ती डिस्ट्रिक्ट में, गोविंद नगर स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर नदी का किनारा है, वहाँ पर यह स्थान है, समय माता जी का स्थान है, यहाँ पर लोग दर्शन करने जाते हैं। 5 मंगलवार जाना पड़ता है फेरी करने, पूजा पाठ करने, तो उनका कुछ मनोकामना पूरा हो जाता है। ये माने नहीं है कि सबका पूरा ही हो जाए, लेकिन ज़्यादा लोगों का विश्वास रहता है तो पूरा हो जाता है। मैं भी आया हूँ इसमें, घूम रहा हूँ, दर्शन कर रहा हूँ, फेरी कर रहा हूँ। देखिए ये भाई साहब हैं, ये भी दर्शन के लिए आए हैं, त्रिमूर्ति कंपनी का वो पहने हैं टी शर्ट। ये पीपल का पेड़ है, ब्रह्म बाबा का स्थान बनाया हुआ है, और एक धर्मशाला और यहाँ पर बन रहा है पीछे, जो नया मकान है। बाकी ये मंदिर बहुत पुरानी बनी थी, धीरे धीरे फिनिशिंग हो रहा है। भी मैं दुबई में था तो इधर आके कोई टाइल वाइल लगा के गया है, और एक 2 हाथियाँ बन गई हैं नई नई, तो धीरे धीरे यहाँ का माहौल अच्छा हो रहा है। ये काली जी का मंदिर है, दुर्गा जी हैं इसमें पश्चिम साइड में, और पूर्व साइड में काली जी हैं। ये यहाँ पर साफ सफाई करने वाले हैं, ऐसे यहाँ पर चलता रहता है, गांव के बगल में ही है, बाजू में नदी है, और रेलवे स्टेशन भी नज़दीक ही में है। देखिए सब लोग फेरी कर रहे हैं, सुबह का
ये सीन है, इसलिए कम लोग हैं यहाँ पर। थोड़ी देर के बाद ज़्यादा लोग यहाँ पर आ जाते हैं और दिन दिन के हिसाब से होता है। किसी हफ्ते में ज़्यादा लोग जाते हैं, किसी हफ्ते में कम लोग जाते हैं। मंगलवार को ज़्यादा भीड़ रहता है, बाकी दिन कम भीड़ रहता है। मॉर्निंग में उतने दूर दूर से लोग आते हैं तो नहीं पहुंच पाते हैं, इसीलिए मॉर्निंग में इसी तरीके से खाली रहता है। तो हम लोग ज़्यादा मॉर्निंग में ही जा कर के घूमते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में घूमना अच्छा भी होता है सेहत के लिए भी, और दर्शन भी हो जाता है, पूजा पाठ भी हो जाता है। तो ये सुबह का ही नज़ारा है, अभी धूप नहीं निकल पाया है। देखिए घूम रहे हैं बढ़िया से, मस्त स्वस्थ रहना चाहिए।